सरदार, जय सरदार, जय सरदार। गुलाम मंत्री जाग उठो, जाग उठो, जाग उठो। गुलाम मंत्रियों जाग उठो, जाग उठो, जाग उठो। समाज पुकारने आया है, आया है, आया है। समाज पुकारने आया है, आया है, आया है। जय 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 सरदार, जय सरदार, जय सरदार। अब इस ये सुबह से जो आंदोलन चल रहा था, ये मुकुट बिहारी वर्मा जी की तरफ आक्रोश पहुंचा और वहां से ये आक्रोश आ गया है स्वतंत्र देव सिंह जी की तरफ, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह पहले कैबिनेट में मंत्री हैं मुकुट बिहारी वर्मा, उसके बाद जो दूसरे क्रम में आते हैं। धन्यवाद संपादक महोदय नीरज जी। आज पूरे उत्तर प्रदेश की हालात जो बद से बदतर बनी है, वरन पूरे देश की हालात बद से बदतर बनी है। ओबीसी एससी एसटी के समुदाय की हालात, उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है लगातार, ये सरकार जो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार है, या कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये पूरी तरीके से ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाने की दिशा में काम कर रही है, नतमस्तक कराना चाहती है, संविधान से हट करके एक अपना संविधान लागू करना चाहती है। इन तमाम विषयों को लेकर सरदार सेना लगातार आंदोलित है। पिछले दिनों में हुई घटना, अमर सिंह पटेल जी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो प्रकरण रहा, 96% सवर्ण जातियों का, यानी ब्राह्मण और भूमिहार क्षत्रिय जातियों का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वैकेंसी फुलफिल की गई। वही हालत गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और आज जहां आए हैं स्वतंत्र देव सिंह पटेल साहब के यहाँ, इसलिए आए हैं कि आरक्षण की हालत आपके विभाग में बहुत बुरा हो गया। परिवहन निगम के आप मंत्री हैं, आपके यहाँ भी फुल फिल किया गया, सवर्णों का कोटा फुल फिल की जा रही है। ओबीसी का खाता ही खत्म कर दिया, ओबीसी का ही कालम खत्म कर दिया गया। आखिर ये क्या नाटक चल रहा है? कुर्मियों की वोट लेकर, ओबीसी का वोट लेकर, दलितों का वोट लेकर आप लोग बनते हो मंत्री विधायक, लेकिन काम करते हो ओबीसी एससी एसटी का एक भी काम नहीं करते। तो आज सुबह से लेकर सरदार सेना और तमाम साथियों, तमाम संगठनों के साथ जो धरना हुआ लखनऊ में, आज वहां से होकर के हम लोग पहुंचे मुकुट बिहारी वर्मा जी के यहाँ। उसके बाद माननीय स्वतंत्र भारत परिवहन निगम मंत्री आदरणीय स्वतंत्र प्रसाद पटेल, स्वतंत्र सिंह पटेल जी के यहाँ पहुंचे हैं। कम से कम ये आशा है आप लोगों से, इसलिए आए हैं कि आप लोग सरकार के मंत्रालय में बैठे हैं तो हमारे लोगों की जो दबाई जा रही आवाज़, उस पर अपनी विचार स्पष्ट करें। मैं आज नेशनल जनमत के माध्यम से ये आपको बता के जा रहा हूँ कि आखिर अमर सिंह प्रकरण में जो मामला हुआ, क्या किया भाई ने? सिर्फ एक काम कि जो न्यूज पे चल रहा था उसको अपने फेसबुक से सर्कुलेट कर दिया। हो रही जातिवाद, घोर जातिवाद, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मामले को उन्होंने जग जाहिर किया। तो आपकी सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा अमर सिंह को बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है, क्या आप लोगों के मंत्री रहने का यही सजा है? क्या समाज का वोट आपको देने का यही सजा है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय कि अब आप लोग जागिए, समाज की गुहार है, नहीं तो आने वाले समय में पुनः यही समाज आपकी कुर्सी पलटने के लिए भी काम करेगा। इसलिए हम आज आपको आगाह करने आए हैं। आज प्रथम धरना का दिवस रहा, आगाह कर रहा हूँ, दूसरे दिन चढ़ाई होगी और तीसरे दिन यह समाज आपको कहाँ क्या करेगा मुझे पता नहीं है। इसलिए आदरणीय स्वतंत्र देव मंत्री जी, मैं निवेदन करने आया हूँ सरदार सेना और तमाम सामाजिक संगठनों की तरफ से, आप समाज के व्यक्ति हैं, गुहार करने आया हूँ। पिछड़ों की अगुवाई आप लोगों के द्वारा होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज भी जाग जाइए, अब भी जाग जाइए, नहीं तो आने वाले दिन में आप लोगों की राजनीति की जो लोटिया है वो पूरी तरह हम लोग डुबा के छोड़ेंगे। जय सरदार, जय सरदार। आप यहाँ पर आई स्वतंत्र देव जी के घर पर, किस तरह का व्यवहार आपको नजर आया? देखिए, जैसा कि हम उम्मीद करके आए थे कि हमारे समाज के नेता हैं, हम वहाँ जाकर अपनी बात कहेंगे, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के मुझे कुछ बहुत गलत नज़ारा दिखा कि गेट बंद मिला, और शायद उनको भी सूचना इस बात की मिल गई कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्हीं के उपदेशों से ही शायद गेट बंद हुआ और वो हमसे मिले नहीं, हम गेट के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, सब उनका वेट कर रहे हैं, और हमें दिक्कत इस बात की हुई, अफसोस भी है इस बात का कि आज हमारे समाज के मंत्री हैं वो, और हम लोगों से मिलने के लिए इग्नोर कर रहे हैं।
सबसे कष्ट की बात है। और जिस तरह से हमारे समाज के लिए जो हुआ, अमर सिंह पटेल जी के लिए जो हुआ, तो ये हमें नहीं, खुद उनको पहले सोचना चाहिए। जनता तो बाद, आप तो जहाँ बैठे हो तो सबसे पहले सोचना तो आप लोगों को हर क्षेत्र की रहती है, हर कार की रहती है, तो सब आपको पहले एक्शन लेना चाहिए। हम लोग तो बाद में, जनता जनता को जब समझ आता है दौड़ के आती है। हम लोग जनता बन के समझ में दौड़ के आए हैं, अपने समाज की रक्षा करने के लिए आए हैं, और आप तो उस कुर्सी में बैठे हो, आप पावर में बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। हम लोग तो आम जनता है, आम जनता जनता के लिए काम कर रही है, अपनों के लिए काम कर रही है, और आप अपनों का काम नहीं कर पा रहे हो, तो बड़े दुख की बात है कि आज हम उनके गेट के बाहर खड़े हैं। मैं अब खुद बहुत कुछ नहीं कहूंगा, ये लोग समाज के नुमाइंदे हैं, समाज की नुमाइंदगी करते हैं सरकार में, तो खुद देख लीजिए कि दो दो जगह का हमने आपको हाल दिखाया। ये दिमाग का जो ब्लॉकेज है उसको खोल दीजिए, और वास्तव में जो गाय गंगा गौमूत्र धर्म अधर्म के मुद्दे से बाहर निकलकर ये देखिए कि कौन सी सरकारें आपके मुद्दों को उठाने के लिए काम कर रही हैं, तभी सही अर्थों में आपको वास्तविक प्रतिनिधित्व मिल पाएगा, और सही अर्थों में आप सोच पाएंगे कि हमारे हिस्से और हक के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। आप देखते रहिए नेशनल जनमत। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो